नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक न्यूज एनालिसिस में। मैं सुंदरम मद्देसिया, जहां हम आज बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी का हिस्सा था। जो लोग नहीं जानते भारतीय जनसंघ पार्टी क्या थी, उनको मैं बता दूँ कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई यह पार्टी थी, जिसमें बीजेपी भी इसका हिस्सा था, जो इमरजेंसी के बाद 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी के टूटने के साथ अलग हुआ, जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया, जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1984 में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता थी कि मात्र पूरे देश से 2 सीट ही प्राप्त की थी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा 1984 के बाद 1998 के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई और 2004 तक भाजपा की सरकार इस देश में रही। उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए इस पार्टी में और 2014 में बीजेपी फिर से वापसी की और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और आज जिस स्थिति में है बीजेपी, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।